चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में जरूरत के मुताबिक बदलावों की मंजूरी की मांग लंबे समय से हो रही है। कुछ बदलावों को प्रशासन मंजूर भी कर चुका है, हालांकि अभी भी कई प्रकार के जरूरी बदलावों की मांग लंबित है। अब जल्द ही चंडीगढ़ प्रशासन इन मंजूरियों पर बड़ा फैसला ले सकता है। चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने नबेस्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश करने को कहा है, ताकि इस पर फैसला लिया जा सके। चंडीगढ़ में सीएचबी के सैकड़ों मकान कई सेक्टरों में हैं। प्रशासन के फैसले से कई परिवार प्रभावित होंगे। इसके साथ ही बिल्डिंग वॉयलेशन के चलते जिन अलॉटियों की अलॉटमेंट कैंसिल हो गई थी, उनके अपील केस में प्रशासन ने उन्हें राहत देने का फैसला किया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने अलॉटियों को कहा है कि वो 30 सितंबर 2022 तक उल्लंघनाएं ठीक कर ले तो उनकी अलॉटमेंट वापस हो जाएगी। इसके लिए रिवाइवल रेस्टोरेशन चार्ज देना पड़ेगा। दूसरी ओर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों के अलॉटियों ने किराए के रूप में करीब 50 करोड़ की देनदारी देनी है। उन्हें 15 दिनों का समय दिया है। चेतावनी दी गई है कि किराया न भरने पर अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी। इन मकानों में ज्यादातर पुनर्वास योजना के तहत मकान पाने वाले अलॉटी शामिल हैं।